हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितु और आप सभी का स्वागत है हमारी रेसिपी इसकी किचन में। आज हम बनाएंगे तलपिया फिश फ्राई। तो यहाँ जो फिश है, मैंने तलपिया जो फिश होती है वो ली है और ये काफ़ी क्रिस्प हम बना रहे हैं, तो बहुत ही टेस्टी फिश है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 600 ग्राम तलपिया फिश, जिसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और जिसका जो अनवांटेड पोर्शन होता है उसको हमने निकाल दिया, जैसे इसके फिन होते हैं और टेल होते हैं, जो हार्ड पोर्शन होते हैं जिसे फ्राई करने के बाद हम खाते नहीं हैं, उन सबको रिमूव कर लिया है और उसे अच्छे से धो लिया। और अब ये इसका मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1/2 चम्मच और यहाँ लेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। तो यहाँ जो मिर्च पाउडर है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और यहाँ गर्म मसाला लिया है यहाँ पे 1 चम्मच और यहाँ काली मिर्च का पाउडर लिया है 1/4 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 चम्मच और नमक लेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है और इन सबको हम मैरिनेट करेंगे तेल के साथ में। तो यहाँ तेल 1 बड़ा चम्मच लिया है हमने और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये फिश फ्राई बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मसाले हैं वो थोड़े से बढ़ा के लेना है। अगर आप इसमें नींबू ऐड करना चाहते हैं तो आप नींबू का रस भी इसमें 1/2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो इसे साइड में रख देते हैं। और अभी हमने जो फिश को अच्छे से साफ करके रखा है, इसमें हमें कट्स लगाने हैं। तो हम इसे अभी कट लगा लेते हैं। तो जब आप कट लगाते हैं तो कम से कम 2 से 3 कट लगाने हैं और जो कट्स होते हैं ये थोड़े गहरे वाले कट लगाने हैं हमें, क्योंकि जो मसाला होता है ये अंदर तक के अच्छे से हमें स्टफ़ करना है। तो इसलिए इसमें हम 2 से 3 अच्छे से गहरे वाले कट लगा लेंगे। तो यहाँ कट लगा के तैयार हो गया है और अभी इसमें हम मैरिनेशन लगाते हैं। तो जो मैरिनेशन मसाला है उसे अच्छे से स्टफ़ करना है हमें, जितने भी हमने कट्स लगाए हैं उसमें भी अच्छे से भर जाना चाहिए और जितने भी पार्ट्स हैं वो सब में हमें अच्छे से इसे कोट कर लेना है। तो मसाले को अच्छे से कोट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने जितने भी पार्ट्स ओपन हैं सब में अच्छे से लगा लिया है और ये जो अंदर का पार्ट होता है इसमें भी अच्छे से मैरिनेशन लगा लेना है। तो यहाँ हमने फिश में अच्छे से मैरिनेशन लगा लिया है और पूरी तरीके से हमने इसे कवर कर लिया है। तो यहाँ हमने जो फिश है, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा मसाला जो है हमने अच्छे से इसे कोट कर लिया है और अब इस मैरिनेशन की हुई फिश को हमें रेस्ट करने के लिए रखना होगा। तो लगभग हमें 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए हम रख देंगे। तो इसे ढक देते हैं और अभी 1 घंटे के बाद में हमें इसे जब मैरिनेशन अच्छे से हो जाता है तो हम इसे डिप करने के लिए एक बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने लिया है 1/4 कप बेसन लिया है और इसमें क्रिस्पीनेस आना चाहिए, इसलिए इसमें हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। आप तो चावल के आटे से ही अच्छे से क्रिस्प हो जाता है। और इसमें मसाले डाल देंगे। तो हमने गरम मसाला डाल दिया 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच और 1/4 चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है क्योंकि पहले भी हमने नमक यूज़ किया है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच। तो यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लिया है, उसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब इस बैटर को तैयार करना है तो इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो जो बैटर है ये पतला या गाढ़ा ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा रखना है तो पानी थोड़ा कम ऐड करना है और थोड़ा पतला सा रखना है बैटर तो पानी थोड़ा सा और भी ऐड कर लेना है, बट बेसन की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देनी है। तो यहाँ हमारा बैटर बन के रेडी है और अभी इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि ये अच्छे से मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी मैरिनेटेड फिश भी रेडी है और बैटर भी रेडी है। तो अभी फिश को निकालते हैं और इसमें डिप करते हैं। तो हमने इसे अच्छे से कोट कर लिया है। अगर आप इसको हल्का सा कोट करना चाहते हैं तो बैटर को थोड़ा पतला जरूर रखना है। तो इसे अंदर से भी हमने बेसन को अच्छे से कोट कर लिया है और अभी इसे गर्म तेल में हम डाल देते हैं। तो हमने इसमें डाल दी है, तेल अच्छे से गर्म होने देना है, उसके बाद ही फिश को
फ्राई करना है। तो एक फिश को फ्राई करने के लिए लगभग 10 मिनट्स का समय लगता है और इसे अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक के अच्छे से क्रिस्प हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और काफ़ी क्रिस्प हो गई हैं। तो इसे निकाल के एक छन्नी में रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और बची हुई फिश को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारी जो फिश है ये अच्छे से फ्राई हो गई है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कुक हो गया है, अंदर तक की अच्छे से कुक हो गई है। तो एक एक पार्ट अच्छे से, बहुत ही अच्छे से टूट रहा है, दैट मीन्स ये अच्छे से कुक हो गई है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।